नमस्कार, कर्मायुर्वेदा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निखिल शर्मा। आप कर्मायुर्वेदा के यूट्यूब चैनल पर किडनी से संबंधित हर प्रकार की जानकारी आसानी से ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन से कैसे बचा जा सकता है। हमारे बदलते लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सी बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है, उसमें से एक गंभीर बीमारी है किडनी की समस्या। आप किडनी की बीमारी से बचने के लिए हमारे चैनल पर बाकी की वीडियो को देख सकते हैं, जहां हेल्दी डाइट के बारे में बताया हुआ है, अपने लाइफस्टाइल में बदलाव कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको किडनी में होने वाली स्टोन से बचने के लिए टिप्स देंगे, जिससे आपको कभी इस समस्या से ना गुजरना पड़े। तो आइए शुरुआत करते हैं कि किडनी स्टोन होने से कैसे बचा जा सकता है। फर्स्ट है, अच्छी सेहत के लिए फल और सब्जियों का सेवन करना अच्छा होता है, लेकिन अगर आप अपने आहार में कुछ फल सब्जियों का सेवन थोड़ा कम कर दें तो आप किडनी में होने वाली पथरी से बच सकते हैं। जैसे कि सब्जियों में शामिल हैं चुकंदर, भिंडी, पालक, टमाटर, बैंगन और शकरकंद। और अगर बात करें फल की तो अंगूर, आंवला, अजमोद और चीकू को अपने आहार में कम कर दें। सेकंड है, आप ज़्यादा नमक या सोडियम के सेवन से बचें, जिसके लिए आप पैक फूड, प्रोसेस्ड फूड और फ्रोजन फूड के सेवन को कम कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके सेवन से आपके शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ने लग जाती है, जो किडनी में स्टोन का कारण बन सकती है। थर्ड है, आप तली भुनी चीज़ों के सेवन से बचें, जिसमें आप पकौड़े, पूड़ी, फ्राइज और समोसे, टिक्की बर्गर और पिज़्ज़ा को अवॉइड करें। इनके ज़्यादा सेवन करने से आपको स्टोन की समस्या हो सकती है। फोर्थ है, हाई प्रोटीन। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए अपनी डाइट में प्रोटीन का सेवन ध्यान से करें। कई बार बढ़ता प्रोटीन भी आपके किडनी की समस्या का कारण बन सकता है। हाई प्रोटीन में दालें, रेड मीट और मछली शामिल हैं, तो कोशिश करें इन्हें अवॉइड करने की। फिफ्थ है, चाय। चाय का ज़्यादा सेवन करने से आपको किडनी में पथरी होने का खतरा रहता है। आप चाय का सेवन कभी भी खाली पेट मत कीजिए, साथ ही अपनी डाइट में चाय की मात्रा को कम कीजिए, जिससे आप किडनी में होने वाली पथरी की समस्या का खतरा कम कर सकें। सिक्स्थ है, चावल। क्या आप जानते हैं कि किडनी में पथरी होने का एक कारण चावल का सेवन है? चावल यानी चाहे वो पका हुआ हो या कच्चा हो, मगर आप कच्चे चावल खाते हैं तो पथरी होने का खतरा भी ज़्यादा रहता है। इसलिए आप चावल बनाते समय उसका मड अलग कर दें, इससे किडनी में पथरी होने का खतरा कम हो जाता है। लास्ट है, कोल्ड ड्रिंक। आप इसका सेवन कम से कम करें या बंद ही कर दें। कोल्ड ड्रिंक में फॉस्फोरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, जो किडनी में पथरी की समस्या का कारण बन सकता है। आप कोल्ड ड्रिंक की जगह पानी या नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें जिनका ध्यान रखकर आप किडनी में पथरी की समस्या से बच सकते हैं। मगर आप किडनी में पथरी की समस्या से परेशान हैं तो कुछ टिप्स को ध्यान में रखकर आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन टिप्स के बारे में, जिनसे आप अपनी किडनी स्टोन की समस्या से राहत पा सकते हैं। फर्स्ट है, आप डॉक्टर की सलाह से अपने आहार में सिट्रिक एसिड की मात्रा को तय करें, जिससे आप खट्टे फलों के सेवन से किडनी में पथरी की समस्या से राहत पा सकते हैं। सिट्रिक एसिड के लिए आप अपनी डाइट में संतरा, नींबू, मौसमी को शामिल कर सकते हैं। सेकंड है, आप फाइबर का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए, जिससे किडनी के काम करने की प्रक्रिया रुके नहीं और सही तरह से काम करती रहे। थर्ड है, आप लाल अंगूर का सेवन कर सकते हैं, इससे आपके शरीर में खराब पदार्थ इकट्ठा नहीं होंगे और आपकी किडनी भी सभी तरह की समस्या से बच सकती है। लास्ट है, जीरा। आप चीनी और जीरे को एक साथ बराबर मात्रा में पीस कर एक चम्मच पानी में मिलाकर दिन में 2 से 3 बार पिएं। ध्यान रखें कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स इसका सेवन ना करें और इसका सेवन ठंडे पानी के साथ ही करें, जिससे स्टोन यूरिन के जरिए बाहर निकल जाए। तो आज के वीडियो में हमने आपको बताया किडनी स्टोन की प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य किडनी से संबंधित किसी भी रोग से पीड़ित है तो आप कर्मायुर्वेदा किडनी केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। कर्मायुर्वेदा किडनी केंद्र में संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, या जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही नई नई महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।